ये फोर का सॉल्यूशन कैरी करते हैं, कर लिया। जी इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है कॉपी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व किया सॉल्व किया नहीं किया ये बताएं पहले तो। ठीक है 31.4 का सॉल्यूशन टैली कर रहे हैं, तो पहले ये रिसीवेबल अकाउंट है, जो प्रॉब्लम अच्छा, इसके बाद अकाउंट्स पेबल पेबल अकाउंट्स पेबल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो पेटी कैश इसमें आएगा। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम, यहाँ तक क्या प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। डिस्काउंट डिस्काउंट ये पेबल अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है। जब हम सप्लायर अर्ली पे करते हैं सप्लायर को तो डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव होगा तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। डबल एंट्री होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। और इस वक्त हम पेबल अकाउंट बना रहे हैं तो पेबल को डेबिट से लिखना है, ये जो उसके रीजन होती है, रेफरेंस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डबल एंट्री क्या होगी, डबल इसकी डबल एंट्री क्या होगी, तो आप पूछ रहे हैं।
मिले कैच रिसीव हाँ तो कैच बनेगी कैच दे दो और अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड हो रहा है मैंने अकाउंट रिसीवेबल को ट्रेड बैंक को थोड़ी कर जी दुबई क्या कह रहे हैं जब भी पढ़ाऊंगा फिर समझ गया अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 31.5 अच्छा 31.5 इसको क्वेश्चन रीड कर लें। अच्छा इसमें कुछ चेंज लग रहा है आपको इसमें कुछ चेंज कुछ नया कुछ डिफरेंट जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था ऐसा कुछ जी वो तो पहले भी आए थे कोई नई ट्रांजेक्शन कोई नई वैल्यू कुछ नया जी कंट्रोल अकाउंट्स ठीक है क्लियर। अच्छा काम करें इसमें ऑफिस को आप लोग घर जाके कर लीजिएगा अब इसे समझ लें इसमें काफी टाइम लग जाएगा कॉपी करने में आधा घंटा लग जाएगा तो फिर से समझ लें कॉपी को घर जाके कर लीजिए। अच्छा पहली रीजन समझ आ गई ओवर पेमेंट बाय कस्टमर और फिर ये रिफंड एंट्री रिसीवेबल डेबिट कैश लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट कैश डिक्रीज हो रहा है। अच्छा सेकंड रीजन ठीक है थ्री रीजन रिसीवेबल किए थ्री रीजन पेबल किए तो लिखने में काफी टाइम लगेगा
अच्छा अभी एक एग्जांपल है आप लोगों के पास हैंड आउट में। अच्छा इसमें पहले हमें क्या सेल्स डे बुक दी गई है, सेल्स डे बुक के बाद सेल्स रिटर्न डे बुक और उसके बाद कैश बुक रिसिप्ट साइड दी गई है। अच्छा ये तीन डे बुक्स हैं, तीनों डे बुक्स को देखते हुए पहले हम बनाएंगे सेल्स लेजर रिसीवेबल लेजर बनाएंगे और उसके बाद फिर कंट्रोल अकाउंट बनाकर उनकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। अच्छा इससे पहले एक चीज यहाँ बता दो, डे बुक्स की देखिए हमने जो डे बुक्स बनाई थी उसमें अमाउंट का हम एक कॉलम बना रहे थे ना, यहाँ पर आपके पास अमाउंट के तीन कॉलम है, टोटल है सेल्स टैक्स और नेट। अच्छा यहाँ टोटल का मतलब ग्रॉस है, नेट सेल्स टैक्स ग्रॉस है। हमने जो डे बुक्स बनाई थी उसमें सिंगल कॉलम था अमाउंट का, या तो सेल्स डे बुक परचेज डे बुक। अच्छा और इसमें क्या फर्क है, लेकिन वो जो हमने डे बुक बनाई थी वो कैसे बिजनेस की थी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं था, और ये सेल्स डे बुक एक ऐसे बिजनेस की है जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, तो इसलिए अमाउंट के तीन कॉलम है, नेट सेल्स टैक्स और ग्रॉस अमाउंट। ठीक है बस ये। अच्छा अब यहाँ पर हमें देखिए तीन डे बुक दी हुई, पहले सेल्स डे बुक है फिर सेल्स रिटर्न और कैश बुक। अब इन तीनों डे बुक को देखते हुए पहले हम बनाएंगे सेल्स लेजर रिसीवेबल लेजर, जिसमें अब इसमें हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इनकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। सही। अच्छा तो पहला कस्टमर कौन है, अच्छा यहाँ पर एक मैसेज है इसमें देखिए, नेट अमाउंट कितना है 720, सेल्स टैक्स कितना है 1446 और टोटल ग्रॉस कितना बन रहा है 864। ये क्या बात है, ये टैक्स अमाउंट यहाँ पे गलत है, ये कितना होना चाहिए 144.6 है, जा सकता है इसको सही कर लें, ये 144.6 है, 720 प्लस 144 तो ये 864 बन जाएगा ना, उसका डॉट सही करते हैं 144.6। अब राइट, अब इन तीनों डेबिट्स को देखते हुए सेल्स लेजर रिसीवेबल लेजर बनाएंगे और इसमें हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा। तो पहला कस्टमर कौन है, एबल, एबल का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा अब ये बताएं क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री सेल्स टैक्स के साथ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट सेल्स टैक्स क्रेडिट। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट करेंगे हम वो किस अमाउंट से करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किस अमाउंट से होगा, टोटल से ना, ग्रॉस अमाउंट से, और सेल्स क्रेडिट होगी 720 से सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा 144.6 है, तो रिसीवेबल डेबिट होंगे 864 से। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर रिसीवेबल अकाउंट, तो ये डेबिट हो जाएगा 864 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 864। जिसके बाद यहाँ दोबारा देखें एबल कहाँ पर है, ये रहा सेकंड लास्ट पे, हमने गुड सेल की इसको 8378 की, तो फिर ये डेबिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 378 से। इसके बाद अच्छा ये सेल्स हो गई, आप सेल्स रिटर्न डे बुक पे आते हैं, यहाँ पर कौन है चार्ली और डेल्टा, एबल नहीं है, एबल ने कोई सेल्स रिटर्न नहीं की। अब कैश बुक पे आते हैं, अब यहाँ एबल लिखा हुआ है 864 रिसीव हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनती है रिसिप्ट की, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अब ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल आ गया, डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ गया 378378। अच्छा पहले कंप्लीट कर लेते हैं बाद में कॉपी कर लीजिएगा, ये पहला कस्टमर हो गया पहला अकाउंट। सब नेक्स्ट कस्टमर कौन है, ठीक है तो वेकर आ गया, राइट, कितने की गुड सेल कर रहे हैं, सेल कितनी है 960,
बेकर, और ये इसका ये डेबिट हो जाएगा ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 960। अच्छा इसके बाद देखें दोबारा हमने गुड सेल की, हाँ ये गुड सेल हो रही है फिर कितनी, 480 की। अब ये फिर रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 480 से। अच्छा इसके बाद सेल्स रिटर्न, रिटर्न नहीं हो रही, और कैश बुक पर आए। अच्छा तो कोई अमाउंट रिसीव भी नहीं हुआ, रिसीव भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, तो ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ये टोटल आ गया, और ये इसका कैरी डाउन, और ये शॉर्ट डाउन आ गया। ठीक है, क्लियर। और थर्ड कस्टमर कौन है, चार्ली। थर्ड कस्टमर कौन है, चार्ली। इसे हमने गुड सेल की है कितने की, 264। चार्ली अकाउंट बनाते हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल चार्ली डेबिट हो जाएगा 264 से। इसके बाद दोबारा सेल नहीं की इसको हमने। अब सेल्स रिटर्न, ये चार्ली ने सेल्स रिटर्न की है कितने की, 168। अच्छा अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, डबल एंट्री है, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा वही टोटल से, राइट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिट पे लिख लेंगे 168। तो उसके बाद कैश बुक, यहाँ पर चार्ली नहीं है, कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है अकाउंट क्लोज करते हैं, और अब ये इसका बैलेंस आ गया 96 कैरी डाउन, और ये 96 ब्रॉट डाउन। क्लियर। अब नेक्स्ट कस्टमर, अभी कौन है हमारे पास, डेल्टा। ठीक है, जैसे हमने गुड सेल की है 9494, 494 डेल्टा अकाउंट, ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 494 से। इसके बाद डेल्टा को हमने दोबारा गुड सेल की 153.6 की, तो फिर ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 153.6। उसके बाद हाँ डेल्टा ने अब ये गुड्स रिटर्न किया हमें कितने की, 996, 96 की, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 96 से। कैश बुक पे आते हैं, तो ये डेल्टा से हमें कैश रिसीव हुआ 398.4। अब ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 398.4 से। अकाउंट क्लोज करते हैं, ये टोटल आ गया डेबिट का, और ये इसका कैरी डाउन, और ये इसका ड्रॉ डाउन। ठीक, नेक्स्ट कस्टमर, नेक्स्ट कौन है, इको। अब इसे हमने गुड सेल की है 756 की, 756, तो ये अकाउंट इको अकाउंट बनाएंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा 756। तो दोबारा गुड सेल नहीं की इसको, दोबारा सेल नहीं हो रही, सेल्स रिटर्न भी नहीं है। अच्छा कैश हमें रिसीव हुआ 765 का, 765 यानी कि ओवर पेमेंट हो गई। सेल कितने की थी, इको को सेल की थी हमने 756, और कैश रिसीव हुआ 765, ओवर पेमेंट हो रही है, यानी कि वही ट्रांसपोजिशन। अकाउंट क्लोज करेंगे। अच्छा अभी ओवर पेमेंट है, तो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट साइड का टोटल कम। अब कैरी डाउन आएगा इसका डेबिट साइड पर, और ड्रॉ डाउन चला जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो ये वही रीजन है जो अभी हमने लिखी थी, ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, जिसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट होता है। ठीक है, अच्छा तो काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं।